कटोरे लेंगे। कलर भी काफ़ी बढ़िया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजर हलवा तैयार है और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये कुकर में बना है। सब्सक्राइब टू मथुराज रेसिपी एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स ऑफ ऑल माय न्यू रेसिपीज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मधुरा। मथुराज रेसिपी हिंदी में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा कैसे बनाना है वो देखेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 कप गाजर। गाजर अच्छे से पील करके छिल के उन्हें कद्दूकस करके लिया है। फिर हमें चाहिए 2 कप चीनी, 125 ग्राम मावा, ड्राई नट्स है, इसमें काजू बादाम और पिस्ता है बारीक काट के लिया है, और आधा चम्मच हमने हरी इलायची लिया है। हरी इलायची के छिलके निकाल कर उसे पीस के लिया है। हम एक कुकर लेंगे, कुकर में सबसे पहले गाजर डाल देंगे। गाजर के बाद चीनी, मावा और ये कुछ ड्राई नट्स है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ये मावा कद्दूकस करके ले सकते हैं। गाजर और चीनी में काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है, तो हमें इसमें दूध या फिर एडिशनल मॉइस्चर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या फिर घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस जला लेंगे और मीडियम हीट पे 2 सीटी निकालेंगे। एक सीटी हो गई है, ये दूसरी सीटी भी हो गई। अब हम गैस बंद कर देंगे और कुकर अच्छे से ठंडा होने तक ऐसे ही रख देंगे। प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है और प्रेशर भी पूरा निकल गया, स्टीम पूरी निकल गई। अब हम ढक्कन खोलेंगे। वाह बढ़िया, आप देख सकते हैं ये गाजर अच्छे से पक गए। अब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें और थोड़ा सा मॉइस्चर बचा है। तो हम अब वापस गैस हाई हीट पर स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं, और तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसे पका लेंगे, जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर निकल न जाए। और यहाँ पर गाजर का हलवा मैंने 7 से 8 मिनट हाई हीट पर लगातार चलाते हुए पका लिया है, और आप देख सकते हैं इसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो चुका है और यह हलवा भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अपने गैस बंद करती हूँ। फाइनली हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और ये मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा ये स्वादिष्ट गाजर का हलवा तैयार है। हम इसे सर्व करते हैं, कटोरी लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया, कलर भी काफी बढ़िया है। और
और अब हम इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़े से स्लाइस किए हुए बादाम है और थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ता। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजर हलवा तैयार है और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये कुकर में बना है और इतने कम एफर्ट्स में बना है। आप देख सकते हैं कितने फटाफट ये हलवा तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ये मेरा मधुरास रेसिपी हिंदी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ क्वेश्चंस है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आज की ये रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे ऐसी कुछ नई इंटरेस्टिंग और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।